لله وحده والصلاة والسلام والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان ज़ीकदर उलमाए कराम और दीगर सामईन खालिसतन दीन की निस्बत से हम यहां जमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का यहां जमा होना अपनी बरकत में कबूल फरमाए। जमात अगर साथी है, चलो ठीक है, सराय की ठीक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जात अकदस ऐसी
अनमोल जात है कि दुनिया ते अगर कोई होर बंदा कदम रखता है फिर वो बड़ा होता है, फिर वो अपने कमालात लोगों के सामने जाहिर करता है, लोग उस बंदे दे कमालात वेख के उस दे नाल मोहब्बत कर दे। एक बंदा समझदार है ते लोग उसकी समझदारी वेख के उसके नाल मोहब्बत करते हैं, भाई यार बड़ा समझदार आदमी। एक बंदा नेक है उसदियां खसलतां अच्छियां ते लोग उसके नाल प्यार तां करते हैं, जो यार ये बंदा बड़ा नेक है। एक बंदा खूबसूरत है ते लोग उसके नाल मोहब्बत करते हैं, भाई यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत है। कोई किसे कमा किसी बंदे की आवाज खूबसूरत है, किसी का अंदाज अच्छा है, किसी की केड़ी क्वालिटी, किसी की केड़ी खासियत, लोग लोगों नाल मोहब्बत ता कर दें जो उन्होंने कमालात वेख लेंगे। इन्हें क्या है लेकिन इस चौदह तबक दी कायनात के अंदर एक शख्सियत इो जी भी गुजरी है जेरी अपने कमालात विखावना ते दूर दी गल, कमालात दा सिफात दा खसलतां दा मुजाहरा करना इजहार करना ए ते दूर दी गल, अजे वो शख्सियत पैदा ही नहीं हुई उस तो पहले लोग उन्होंने नाल मोहब्बत कर। और यकीनन तुसा समझ गए उसो वो एको ही शख्सियत है, वो एको ही जात है आमना दे लाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए और शख्सियत है कि आप पैदा नहीं हुए हत्ता पिछलियां उम्मता और पिछले उम्मता दे अंबिया और भी इस नबी दे नाल मोहब्बत करवाते, इतनी उच्ची शख्सियत, इतनी मकाम और मर्तबा वाली शख्सियत। लेकिन उस शख्सियत यानी आमना दे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को एक मुतालबा किया, असा सारे उम्मत ही हाँ बंदे हो ना सारे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो खार हैं बदकार हैं डूबे हुए जिल्लत में हैं कुछ भी हैं आगे तेरे महबूब की नहीं पता सबको है, खार हैं बदकार हैं बेशक अल्लाह हम बुरे हैं, हम बुरे हैं अल्लाह हम बड़े गुनाहगार हैं, खार हैं बदकार हैं, सारे गुनाह और करतूत हमारे हैं, लेकिन करीम अल्लाह डूबे हुए जिल्लत में तो हैं लेकिन तेरे महबूब के उम्मती हैं, हमें और किसी चीज का नाज नहीं है। बंदा नाज कर ही नहीं सकता, बंदा अपने आप की बड़ाई जाहिर कर ही नहीं सकता, लेकिन एक चीज पे मान है, एक चीज पे नाज है, वो है कि हम आमना के लाल की उम्मती हैं। बड़ा एजाज है ये, बड़ी किस्मत की बात है ये कि अल्लाह ने हमें नबी करीम अलैहि सलाम की उम्मत में पैदा किया। उस नबी ने उम्मत तो मुतालबा किया है, मैं हदीस तो शुरू करनी है कल इंशाल्लाह, फिर तो आपको एक टारगेट से लेके जाना है और टारगेट भी दसना है इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला
कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, ईमानदार नहीं हो सकता, कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। अपने अहलो आयाल, अपनी औलाद, अपने वालिदैन और सारे इंसानों ना को ज्यादा मैं आमना दे लाल लाल मोहब्बत जब तक ना करे उस वक्त तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता। क्या मतलब? अल्लाह दे पाक पैगंबर ने हिकमे दसा दिता है आखन लगा या रसूल अल्लाह सिद्ध
दी गल पूछो तो मेनू अपनी जान ज्यादा प्यारी है और तुसा मेरी जान नालों मेनू घट प्यारे हो। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया याद रख उमर तू भी मोमिन नहीं। अल्लाह अल्लाह। और मुसलमानों दावा बड़ा करते हैं हम है हम अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल मोहब्बतां बड़ियां करदे आं अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल प्यार बड़ा करदे आं असा आशिक रसूल आं। ओ लोगो सुन लो इसे दुआ को ओ मुसलमाना तू जो आदम नबी दा आशिक आ मैं नबी दा दीवाना मैं नबी दे नाल मोहब्बत करन वाला ते बद मेनू इस गल दा जवाब दे बद लोकां दे सामने तू डाली मुंडा के ताने दे तू लोग मेनू मौलवी ना आखन तू जाके अपने शादियां ते धोर धमक के ते बदमाशियां करे मैं और नबी दी सुन्नत नु जबाचा करे मैं नबी दी सुन्नत रोजी करी होंदी है और तेरियां शादियां काफरां दे तरीके ते होंदियां ना। ओ मुसलमान आ किते गया तेरा इश्क उठे देख उमर दे या रसूल अल्लाह अम्मा ते अब्बा घट प्यारे तुसा ज्यादा प्यारे हो औलाद घट प्यारी ते तुसा ज्यादा प्यारे हो माल घट प्यारा ते तुसा ज्यादा प्यारे हो सिर्फ इयो गल चाखिए या रसूल अल्लाह अपनी जान ज्यादा प्यारी है ते तुसा घट प्यारे हो। अल्लाह दे नबी ने फरमाया ओ उमर जब तक तेरा ए हाल रहेगा कि मैं मोहम्मद तेरी जान नालों भी ज्यादा प्यारा ना हो बन्ना उस वक्त तक तू मोमिन नहीं बन सकदा। अपने गरीबानों में झांको मुसलमानों अपने गरीबान देखो साढ़े अंदर नबी का कितना इश्क है सिर्फ दावों की हद तक भाई ऐसा नबी के आशिक हैं हम बस एक्चुअल प्रैक्टिकल अमली जिंदगी असाड़ी सारी नबी के खिलाफ है। मुवाजना कर लो देख लो अपना मुआशरा देखो मियां वाली पूरे डिस्ट्रिक्ट का मुआशरा देखो पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया में नजर दौड़ाओ आजकल तो मीडिया का दौर है हर चीज सामने आ जाती है। अच्छा अल्लाह दे पाक पैगंबर तुहाडे नाल मोहब्बत कीने करके करनी है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया इंज करो जिने अबू बकर करके विखाइए क्या करके विखाइए अबू बकर करके विखाइए जमादी उस्सानी महीना चल रहा है आज पावी खत्म हो गए 23वीं शुरू हो गई है हजरत अबू बकर सिद्दीक दी वफात दा दिन है ठीक है। इस वास्ते चंद गल्लां अबू बकर सिद्दीक दे बारे बयान करनियां लेकिन तुहानू तमहीद ने गल समझाइए कि मोहब्बत रसूल ईमान दा हिस्सा है मोहब्बत रसूल नहीं तो वो बंदा मोमिन नहीं ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो ए ओ बंदे तवज्जो नाल सुन सैयदना अली आखो रजी अल्लाह तआला नो आखो नाराज बैठे हो हैं ज्यादा टाइम नहीं लेंदा इंशाल्लाह बड़े बोलो क्योंकि तुसे जुम्मा ही पड़ा है बस हुन दूसरा बयान ओ एक दो खुतबे ते दो जुमे कटे थी गए बयान दो कटे हो गए बादशाह बादशाह लगा वे सीखो जी नहीं थी ना। अच्छा जी हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो दे कोल सवाल कीता है एक बंदे ने या हजरत असानू जवाब मेनू जवाब दियो केरा जवाब ए दसो इस उम्मत विचों सब नालों बहादुर कौन है सारे नालों ज्यादा दलेर ते शुजा ते बहादुर कौन है। अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो जवाब ते मन लगे उसे समझिया सवाल करन वाले ने हजरत अली आखन जो मैं सारे नालों दलेर ते बहादुर आ लेकिन हजरत अली फरमांदे ने ओ सवाल करन वाले आ
इस उम्मत विचों सारे नालों बहादुर ते अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो ए अबू बकर सिद्दीक ए अबू बकर सिद्दीक जिस वक्त कोई भी कलमा पढ़ने वाला और मौजूद कोई नहीं अल्लाह के पाक पैगंबर फरमान दी छोटी देख रहे होंगे लोगन आख रहे हैं कुलू ला अपने तो सारे बेगाने बन गए अपनी गालियां कढ़ने वाले अपने ताने मारने वाले सरकार चाचा अबू लहब पत्थर मारने वाला उस वक्त आके अल्लाह के पाक पैगंबर के सामने आके दिफा करने वाला वो कल्ला बहादुर अबू बकर सिद्दीक है। दूसरा मौका भी है अल्लाह के पाक पैगंबर आको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिदुल हराम काबतुल्ला शरीफ के सामने खड़े होके अल्लाह का कुरान पढ़ी जा रहे काफरों को तैशाया काफरों को गुस्साया वो आए आके अल्लाह के पाक पैगंबर ते चढ़ाई कर दीती ते हमला कर देता। अबू बकर सिद्दीक नु पता चले अबू बकर सिद्दीक दौड़ा दौड़ाए मस्जिदुल हराम दे अंदर उठ आके आखन लगा رجلن ان يقول ربي الله اتقتلون رجلن ان يقول ربي الله او ظالم مکے والے مشرکو تو اس شخصیت نو تکلیف دیندے ہو انہاں نو تاپ مرندے ہو اے تانوں آدا ربی اللہ او لوگو میں محمد دا ربی اللہ ساری کائنات دا رب اللہ ربنا رب السماوات والارض ساری کائنات دا رب اکیلا کون ہے सारी कायनात दा रब कौन है बोलो होर ते नु रब दा माना दसाइए जरा ता ते नु समझ आसी ता इंशाल्लाह बोल सी रब दा माना के होंदा है इंशा ओ शै हालन फालन इला हद तमाम कोई चीज ऐसी जिस दा वजूद ही कोई ना होवे समझ आ रही गल नहीं कोई ऐसी चीज जिस दा वजूद ही कोई ना होवे ਉਹਨੂੰ ਵਜੂਦ ਅਤਾ ਕਰੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਚਲਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਉਸਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ 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 ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਉਸਨੂੰ ਰੱਬ ਆਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖਲੀਜ਼ ਨੁਤਫਾ ਤੇ ਕਤਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਖੂਨ ਨੂੰ ਲੋਥੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੈ 18 12 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਕੂ ਹੈ ਸੁਮ ਖਲਕਨ ਨੁਤਫਤਾ ਅਲਕਤਨ ਫਖਲਕਨ ਅਲਕਤ ਮੁਜ਼ਗਤਨ ਫਖਲਕਨ ਮੁਜ਼ਗਤ ਇਜ਼ਾਮਨ ਫਕਸਉਨ ਲਿਜ਼ਾਮ ਰਹਿਮਾ ਸੁਮ ਨਸ਼ਅਨਾਹੁ ਖਲਕਨ ਆਖਰ ਫਤਬਾਰਕ ਅੱਲਾਹੁ ਅਹਸਨੁਲ ਖਾਲਿਕੀਨ ਓ ਲੋਗੋ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗੰਦੇ ਨੁਤਫੇ ਨੂੰ
खून तब्दील किया। 40 दिन गुजारे खून तब्दील हो गया, उस 40 दिन लगे उस खून लोथड़े तक तब्दील किया, उस 40 दिन लगे उस लोथड़े हड्डिया के ढांचे तक तब्दील किया, उस 40 दिन गुजरे अल्लाह पाक ने उस ढांचे के उत्ते फरका सरून लेजाम लहमा, उस ढांचे के उत्ते गोश्त चढ़ाया। अल्लाह फरमाया 40 के दिन गुजरते गए, तब्दीलियां आंदी रही, मराहल आंदे रहे, तेरे अंदर तब्दीलियां आंदी रही, बढ़ोतरियां हो गया रही। ये सारा कुछ तरह अंधेरों के अंदर कीते, तेरी मां के पेट का अंधेरा, उस रहम की झिल्ली का अंधेरा, उस लिक्विड के पानी जिस दे अंदर ये सारा काम हो रहा है, वह अंधेरा तरह अंधेरों के अंदर रब ने तेनो सोना जवान बना दिता। इस जात नु अखींदा रब इंशा शय हालन फहालन इला हद तमाम शय नु वजूद देवना वत उस नु परवान चढ़ावना ते उरूज तक पहुंचावना, ए इक्को ही जात कर सकदी। ओ कौन है? हुण तुहानु समझ आई है ते बोले भी हो, शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अपनी गल ते आओ जी, ये तो होर पासे चल पाया। अबू बकर सिद्दीक आके आता तक तो लोना रजुलन कर याद है हैं, मैं पूछता नहीं जी, कर छोड़ी मैं पूछता नहीं कितने वध्या से। अदब तो लूना रज मकसद है बेदार होके वो, अदब तो लूना रजुलन आई अकुल रब्बी अल्लाह ना आखिया अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक आदे दोस्त इस शख्सियत में पैर मरेंदे हो, अकल चावन वाली गल कोई नहीं, उन्हें अल्लाह दे पाप पैगंबर छोड़ के अबू बकर सिद्दीक नो मारना शुरू कर दिता। मरेंदे रहे कोई आके साले में पेट दे उत्ते कुद दखल है, कोई केरी चीज पे मरेंदे, कोई केरी चीज पे मरेंदे, हत्ता के अल्लाह दे पाप पैगंबर दा सच्चा यार अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो जांदे। जिस वक्त बेहोश हो गए चाहो सारा कुछ मुशरिकी ने मक्का छोड़ के नस गए, हजरत अबू बकर दे खानदान बनो तमीम वाले आ गए, उन्होंने अबू बकर उठाया घर दे अंदर ले गए, तरह दिन गुजर गए बेहोशी दे अंदर। इतने तवज्जो तवज्जो, मैं तुहानू दसा रहा अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल मोहब्बत किवें करिंदी ए। अल्लाह अल्लाह अबू अगर देख लिए मोहब्बत दा अंदाज, वत अबू बकर दा अंदाज वेख लै किवें मोहब्बत करदे अल्लाह दे पाक पैगंबर दे नाल। अच्छा अबू बकर सिद्दीक नू उठा के घर ले गए, तरह दिन गुजर गए, तरह दिनां दे बाद होश आए सिद्दीक नो, क्यों भी अग खोली अग खोल दे आई, पहला सवाल कीता ओ मेरी वालदा ओ मेरे घरोंदे वालो, ए दसाओ मेरे मोहम्मद दा के हाल है। बड़ा औखा ही बड़ा औखा काम है, तवज्जो नाल नबी दिया मोहब्बत दे दावे करन वाला, ए जरा अबू बकर सिद्दीक दी मोहब्बत दा अंदाज भी वेख लै, दे बाद अख खुलिए आदे ने ए दसो मेरे नबी दा के हाल है। उन्ना खजी होने पता करा के दसेंदे आ, उम्मे जमील नामी औरत है, ओदे थरू पता कराया ते पता चला ओ औरत आई ए, आके आदी ए ओ अबू बकर तेरा यार मोहम्मद रसूलुल्लाह सही सलामत है। अच्छा आखन लग्या अच्छा मेनु मोहम्मद रसूलुल्लाह दा दीदार कराओ, वालदा ख्या पुत्रा तेरे दिन गुजर गए, ते कुछ खादा पीता भी कोई नहीं, गशी ते बेहोशी दा आलम है, हुन कुछ खा ले कुछ पी ले, बत जाके नबी दा दीदार कर लेना। अगे आदे ने अम्मा जान उस जात दी कसम उस वक्त तक एक कतरा भी मैं ज़बान नाल नहीं लावना जब तक अपने सोने दा दीदार ना कर लवा। अच्छा खानदान वाले रुस गए,
देखो जी उसे दी वजह तो सारियां दुश्मनियां बनियां ए वाकी उसे दे नाल है। खानदान वाले रुस गए अबू बकर सिद्दीक नो मोंडे नाल लाके अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत च ले जाया गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जिस वक्त डिठे अबू बकर सिद्दीक नो आप खड़े हो गए और अपने सीने नाल लाके आखन लगे ओ अबू बकर तेरा के हाल है इजाम तेरे नाल के कर दते। अबू बकर सिद्दीक आदे या रसूल अल्लाह अगर तुसा सही सलामत हो मेनु अपनी तकलीफ दी कोई परवाह कोई नहीं। महबता सीखनी अंता अबू बकर को ले के सीख अबू बकर की भी मोहब्बत की थी है। इस उम्मत का सलार इस उम्मत का सब तो अफजल तरीन इंसान और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। अल्लाह उस बंदे ने दूसरा सवाल किया है और पीछे चले जाओ केड़ी गल हजरत अली को दूसरा सवाल किया है गल याद आई नहीं क्लियर है। पहला सवाल किया या अली ए अली रजी अल्लाह अनु इस उम्मत विच सब नालों बहादुर कौन है ये सवाल किया। दूसरा सवाल किया आखन लगा हजरत अली जी चलो ए ते जवाब आ गया अच्छा ए दसो हजरत या हजरत अली ए दसो इस उम्मत विच सब नालों ज्यादा सखी कौन है सखी है सब नालों ज्यादा सखी कौन है। हजरत अबू हजरत अली रजी अल्लाह ताला नो जवाब देवन लगे उस बंदे दे ज़हन दे अंदर आया हजरत अली अरसन के यार इस उम्मत विचों सब नालों ज्यादा सखी मैं अली हूं। क्यों क्यों उदे सेने चाहिए इस वास्ते हजरत सैयदा सैयदुना अली रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सैयदा सैयदुना हसन सैयदुना हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा इन चारा ने रोजा रखा होया है और रोजा रखन वाले है दरवाजा खड़का वाला उस बंदे ने आख्या मैं मुसाफिरा मैं मजबूरा मुसाफिरा खावन पीवन वास्ते कुछ नहीं। हजरत अली ने के कीता है अपना चेहरा रोजे वास्ते समान रखा होया है अफतारी दा वक्त जो करीब है समान जेहरा रखा होया है ओ चाके उस बंदे मुसाफिर ने दरवाजे वल भिजवा दिता। सैयदा फातिमा ने भी इंज कीता हसन हुसैन ने भी इंज कीता अपना सारा अफतारी वाला समान उठा के उस मुसाफिर पानी का घुट भर के रोजा तार कर देता। अगले दिन बद रोजा रखा कसम का कफारा आई अच्छा अगले दिन बद रोजा रखा अफतारी का टाइम आवन लगा बद दरवाजा खट गया। अल्लाह के नेक बंदे हजरत अली ने आख्या मन दकल बाब कौन है दरवाजा खड़कावन वाला अब जवाब दे दे अना फकीर ना के मैं फकीर मंगल वास्ते आया इन चारा ने बहुत सारा कुछ उठा के फकीर नो दे दिता पानी दे नाल रोजा छोड़े तीसरा दिन बद रोजा रखे है जद अफतारी दा वक्त होया है बद दरवाजा खट गया है अल्लाह तली ने पूछे मन दा कलबा कौन है दरवाजा खटका मन वाला उसा के आना असीर मैं कैदिया ते मैं मदद मंगा वास्ते आया बयान करनी भी बड़ी सौखी है अमल करना बड़ा औखा है बड़ा औखा है। बंदा तो है पूरा दिन रोजा रखे हूं दो किस्म का शरबत ना हो फ्रूट त्रे चार किस्म का ना हो
पकौड़े शरीफ ना होन तो मेरा रोजा कि छुट सी है आंदा है ना साडा ख्याल ओदा रोजा भी देख अली रजी अल्लाह तआला नु कल्ला नहीं नाल सौजा मोहतरमा रसूल अल्लाह दा रखते जिगर सैयदा फातिमा और हसन हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ये दोनों बल्कि चारों हजरात ने यो काम किया त्रै दिन रोजा उन्ना पर पानी दे नाल छोड़े कुछ खादा पीता नहीं मेरी एक आदत है भाई एक नुक्ते ते मैं चलना जेरी गल शुरू तो लई है ना आसे पास वाली गल ना उसे नुक्ते ते खेदाओ ताकि अगले नु कुछ समझ आए तुम तो समझ आ रही है सारा नु आ रही है माशाल्लाह अल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ओ सवाल करने वाले तू सवाल कर दे इस उम्मत में तू सारा नालो सखी कौन है फरमाने लगे ओ सवाल करने वाले इस उम्मत में तू सारा नालो सखी अबू बकर सिद्दीक है। मैं थोड़ा जा टच देना है वाक्य नु तवज्जो करनी जरा है तवज्जो सबकी सारे बैठे हाजिर ना इंशाल्लाह अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक दे गज़वे दे मौके ते फरमाया ओ मेरे सहाबा दीन दी मदद करो अपने माल अल्लाह वास्ते जमा करो सहाबे किराम दौड़े दौड़े गए अपने अपने घर में अपनी गुस्सत के गुंजाइश के मुताबिक सामान लेके आ गए उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला नो एही दौड़े दौड़े घर के अंदर गए उठे जाके अपना सारा समान अदो अद करके अंदर समान उठाया ते अल्लाह दे पाक पैगंबर दी खिदमत दे अंदर लेके आ गए थोड़ी देर बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला नो आ रहे सर ते गठड़ी बदी हुई है और जिस्म ते टाट दा लिबास पाया होया है गठड़ी समान वाली लेके आ रहे हैं टाट दा लिबास पाया होया है अजे पहुंचे नहीं जिब्राइल पहले आ गया अजे पहुंचे नहीं जिब्राइल पहले आ गया अल्लाह दे पाक पैगंबर दे कोल आखर लगा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर तुहाडे ते अल्लाह दा सलाम होवे अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जिब्राइल नहीं किथे ते हैरान हो गए तवजो जिब्राइल नहीं किथे ते अल्लाह दे पाक पैगंबर हैरान हो गए अल्लाह दे नबी फरमाए ते क्यों टाट वाला लिबास पाए वजो ओ जिब्राइल ते क्यों टाट वाला लिबास पाए जिब्राइल आ दिन या रसूल अल्लाह अपनी नजर जरा उत्ते उठाओ अल्लाह दे पाक पैगंबर ने उत्ते बैठे अल्लाह ने आसमान दे पर्दे हटा अपने नबी नो विखाया सत्ता आसमानां दे फरिश्ता ने टाट वाला लिबास पाया है अल्लाह अजे गल हो रही है अबू बकर सिद्दीक गणने जाके आ गए अल्लाह दे पाक पैगंबर ने उस नो बिठे समझ गए अबू बकर दा अल्लाह दे रास्ते ते माल कुर्बान करना अबू बकर दा ए टाट वाला लिबास पावना अल्लाह नु इतना पसंद है कि अल्लाह ने सत्ता आसमाना दे फरिश्ता नु टाट वाला लिबास पावन दा हुक्म दे दिता नारे तकबीर शाने सहाबा शाने सिद्दीक अकबर अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर ने मिठे अबू बकर सिद्दीक आ गए टाट दा लिबास पाया होया है जिब्राइल जे खड़ा है तो इत्थे ही गौर दी सुन आयशा सिद्दीका अखो रजी अल्लाह अनहा नकल कर दिया हदीस शरीफ दा मफहूम है आदिया ने जिस वक्त मेरा अब्बा अबू बकर सिद्दीक घरों निकलने लगे सामान लेके दीवार ते पे हाथ मरे
घर की दीवार से हाथ में रेंदे ते मैं पूछया अब्बा जी क्यों पे हाथ में रेंदे हो दीवार ते हजरत अबू बकर सिद्दीक आदर बेटा इस दीवार ते कुछ दिन पहले मैं सुई ही खटकाई आई ते तो इथे टूंगी आई आज मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुतालबा कीता है जमाल दीन वास्ते मंगरदा मैं जानदा जिथे मेरा सारा माल जा रहा है उठे सुई भी मोहम्मद दी खिदमत तो रह न जाए है ए जज्बा अली इस उम्मत विचों सारा नालो सखी कौन है हजरत अली फरमाते अबू बकर है कौन है बोलो 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 अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो अच्छा अगली गल सुन ईमान ताजा हो जाए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो टाट वाला लिबास पाके जिस वक्त खिदमत अकदस के अंदर पहुंचे जिब्राइल अमीना दे या रसूल अल्लाह अपने इस यार बुजुर्ग नु आखो अबू बकर सिद्दीक अपने इस यार नु आखो या रसूल अल्लाह इस नु आखो अल्लाह अर्श को बैठ के तेनु सलाम आखे अल्लाह अबू बकर क्या तेरा मकाम है अर्शों से सलाम आ रहा है अगली गल समझे हो ईमानदार जाकर अबू बकर सिद्दीक नो आपको अल्लाह की नो सलाम कह रहे हैं और अगली गल जिब्राइल आ जाए या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक नो आपको अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप तारोजा नहीं तू मैं अल्लाह ते नाराज़ ता नहीं ओ नहीं समझ आई तुहानू गल दी नहीं समझ आई अबू बकर ए दसा तवज्जो कर दोबारा सुन मैं जुमला रिपीट कर रहा हूं अबू बकर ए दसा अतरजा अबू बकर ए दसा तू अल्लाह ते कि नहीं नाराज़ ता नहीं तू आके मैं आदा सारी कायनात दिए अल्लाह राजी हो जाए नहीं आदे आदे आना कौन राजी हो जाए बोलो बोलो कौन राजी हो जाए अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह अर्श तो बैठ के पुछवा रे मेरा सोना पैगंबर अबू बकर नो पुछो कि नहीं मैं अल्लाह ते नाराज ता नहीं खुदी को कर अगे खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है समझ आई ये गल दी के कोई ना खुद नु इतना उच्चा ले जा और तू बदमाशियां ते आयशियां जिंदगी भी गुजारदा है इस नाल जिल्लत आंदी है अपने आप नु इतना उच्चा कर अर्श को सलाम आवन अर्श को रहमत आवे अर्श वाला अर्श को बैठ के पूछे इसको लो पूछो कि नहीं मैं ते नाराज ता नहीं बड़ा उच्चा मकाम है बड़ा उच्चा मकाम है दुनिया आदि अल्लाह राजी हो जाए अल्लाह दा अबू बकर सिद्दीक राजी हो जाए है खुदी को कर बुलंद इतना नेट ते जुवे ला के अल्लाह नु राजी करन दे पाए होंदे ਹੈ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਯਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੇ ਨੈਟ ਤੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ तू जैसा बंदा तेरी केरी रजा है अल्लाह पूछ दे तू जिन्या कैसी में उन्या राजी हो वैसा पर शर्त है अपना मकाम ऊंचा कर नहीं तेरा नशेमन है जी नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है पता नहीं समझे हो कि नहीं समझे हो कि नहीं नहीं तेरा नशेमन
कसरे सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तू नेट ते खलो के जुए लेना है, ए तेरा काम नहीं, नहीं तेरा नशे मन नेटों पे जुए लगाना। तू शाही है, तू उम्मत मोहम्मदी का बंदा है, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। तू शाही है, तू तो शाही ने बसेरा कर, तेरा ठिकाना ते तेरा आराम ते तेरा तरीका ते तेरी जिंदगी। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन चट्टानों से खेला करता है, हवा के दोष पे उड़ा करता है, बड़ी बड़े जखर झोलों को उनका मुकाबला करता है। आज दी नसल अपना बेड़ा गर्क कर देता है, कोई नेट जुए लेंदा है, कोई केरी अयाशी करना है, केरी अयाशी करना है। आपको बताओ ये जो हराम काम है जिनका अल्लाह ने सातवें पारे में जिक्र किया है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन्नमल खम्र शराब वल मैसिर, इसका क्या माना है? कुछ उलमा बैठे, इसका क्या माना है? हाँ, अजीब सी बात है, अगर ये नेट ते खेल देने नहीं है जब तक जुआ लाओ। सुभान अल्लाह, खेल मुसलमान को क्या है यार, मुसलमान के पास तो टाइम ही नहीं होता। इस उम्मत की एवरेज उम्र कितनी है? 60 से 70 साल। कितनी? मेरे नबी का फरमान है, कितनी उम्र है? 60 से 70 साल इस दिन एवरेज उम्र है। यार क्यों नो बोल दे बे, वो सख्त गल्ला पे करे ना। नहीं नहीं माशाल्लाह, गल्ला तक ये थी समझी आया जो वहां तक गल्ला तो ये हो सन, ये नहीं सिद्धियां स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन जुम्मे ते मैं ये गल आखी है, हां कि वलम यखशा इल्लल्लाह, ये रे इत्ते बांध रहा है ना, लम यखशा इल्लल्लाह, वो दे जिम्मे है कि वो और किसे तो ना डरे, सिर्फ अल्लाह को डरे। माशाल्लाह, ठीक है। गल्ला तो ये यार सुन लो, फायदा होवे। केरी पे गल करते थे जी, मैं से जुआ ये हराम है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा ये स्मोकिंग जो होती है, चरस हफीम शराब, ये सारा इनका एक ही हुक्म है, बता ना, ये सारी हराम है, इन सब का एक ही हुक्म है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुने जरा, कान खोल के सुने जरा तवज्जो से, और आवाज जा रही है इंशाल्लाह दूर दूर तक, जो साथी यहां तशरीफ ना ला सके उन तक इंशाल्लाह जा रही होगी। तवज्जो नार सुनो हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है रमजानुल मुबारक दी हर अफतारी दे वक्त अल्लाह ताला 70,000 बंदे नु, और दूसरी रिवायत में जानदा है 1,00,000 बंदे नु अल्लाह ताला जहन्नम तो आजाद करेंदा है। बहुत कसीर तादाद आई है, इस तरह है, ठीक है। और फिर फरमाया सुनो, जिस रात आती है लैलतुल कदर, और जेरी लैलतुल कदर होती है उस रात अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की बख्शिश करता है, 4 बंदों की अल्लाह बख्शिश उस रात भी नहीं करता। वो रात कौन सी है? फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1,000 महीने नालो बेहतर है वो एक रात, इतनी कीमती रात है। फरमाया 4 बंदा दी उस रात के अंदर बख्शिश, बोलो तो सही। अया अल्लाह जेरे 4 बंदे में आने नालो दसावन लगा, अल्लाह इन्हें विचो कोई उन्हें चुना हो। आमीन आमीन। अल्लाह 4 बंदे, पहला फरमाया आप कुल वालिदैन, वालिदैन का ना फरमान बंदा और तेरी बख्शिश उस रात च नहीं होनी। और दूसरा फरमाया शारिबुल खम्र, शराब पीवन वाला नशा करने वाला, इसकी बख्शिश लैलतुल कदर च नहीं होनी, बहुत सख्त जुर्म है। उम्मुल खबाइस, ये शराब और नशा जो है तमाम बुराइयों की जड़। और रिवायत में आता है एक वाक्या, एक नौजवान लड़का था, उसके चक्कर में एक औरत ने बदमाशी की, और उसने क्या किया, बहाने से उस बंदे को बुलवाया अंदर। जब वो नौजवान अंदर आया, पीछे से ताले लगा दिए और उसको अंदर कहा, हमारा कोई और काम शाम नहीं था, हमारा एक ही काम है। इस नौजवान ने कहा ये हो ही नहीं सकता,
मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं। उन्होंने कहा देखो ये तीन चीजें हैं, तुम्हें तीन ऑप्शन दे रही हूं, इनमें से एक अवेल कर लो, एक चांस ले लो, एक चीज ले लो। क्या? या तो बुराई करो मेरे साथ, नहीं तो ये बच्चा मासूम पड़ा है जिसको कत्ल करो, नहीं तो शराब पड़ी है शराब पियो। इसने सोचा, हदीस शरीफ का मफहूम है, कहता है मैंने सोचा मैं क्या करूं, जिना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। वैसे भी इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना कर्ज है, कर्ज, कर्ज जानते हो, कर्ज जो लिया जाता है वो वापस भी करना होता है ना, ऐसी बात है, जो कर्ज लिया जाता है वो रिटर्न करना होता है, वापस करना होता है। फरमाया जिना कर्ज है, और जो ये कर्ज लेता है ना उस वक्त तक उसे मौत नहीं आती जब तक ये कर्ज चुका ना दे। तो लबा ने पूछा हजरत कैसे चुकाएगा कर्ज? फरमाया या तो उसकी मां चुकाएगी। तोहीद आबाद वालों सुनो, या तो उसकी बीवी चुकाएगी, या उसकी बहन चुकाएगी, या उसकी बेटी चुकाएगी। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक ये कर्ज चुका ना दे, या फिर ये है कि तौबा करे, या फिर ये है कि तौबा करे, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करे, जो गलती हो गई उस पर माफी मांगे। तो उस औरत ने कहा जिना करो, या फिर जो है बच्चे को कत्ल करो, या फिर शराब पियो। इसने सोचा जिना बड़ा जुर्म है, ये तो नहीं करता। उसने कहा कत्ल करो फिर बच्चे को, एक बंदे का कत्ल हमारी अब्दुल मोमिन कैसे है भाई, वो छठे पारे में आया था फजाऊ जहन्नम खालिदन फीहा, ये तो पांचवें पारे में है, छठे पारे में भी है कि जिस बंदे ने एक बंदे को कत्ल किया फकअन्नमा कत्ल नास जमीअ, उसने समझो पूरी इंसानियत को कत्ल किया। एक बंदे नु कत्ल करना दा इतना जुर्म है जिन्हें सारे दुनिया के इंसानों को कत्ल किया सारा दे बराबर जुर्म है। उसने कहा यह भी नहीं कर सकता। तो उस औरत ने कहा ठीक है ये नहीं कर सकते, शराब पियो तेरी जान नहीं बख्शी जाएगी, बच नहीं सकता। उसने कहा चलो ये है भाई, चलो शराब का घूंट दो पी लूं फिर तौबा कर लूंगा, जान छूट जाएगी बड़े जुर्मों से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने शराब उठाई और जग गिलास जो भी था उसने वो पी लिया, बस जो ही शराब पी फिर दिमाग बदहोश हो गया, दिमाग मऊफ हो गया, फिर उसने उसी औरत के साथ मुंह भी काला किया और उस बच्चे को कत्ल भी कर बैठा। ये कोई छोटा जुर्म है? ये जुआ, ये जो है शराब और नशे की चीजें और ये चरस और अफीम और ये गलत चीजें, ये छोटा जुर्म है? ये हराम है, हराम। गली पे मरी हुई मुर्गी पड़ी होती है क्यों नहीं खाते? मुर्गी पड़ी होती है हलाल है ना, मुर्गी हलाल थी ना, हलाल जानवरों में है ना, वो पड़ी है गली पे मरी हुई उसको नहीं खाते क्यों जी? शरीयत आके हराम है, मानते हो? गाय मर गई लाख रुपए की, दो लाख की, नहीं खाता, क्या कहता है? हराम है। कुत्ता नहीं खाता क्यों जी? हराम है। भाइयों ये रब को हराम आंख है, उसे रब ये भी हराम आंख है। अफतुमिनून बिमाज़िल किताब वतकफुरून बिमास, कड़वी कड़वी थू थू और मीठा मीठा हाफ हाफ, जरा सौखा काम है वो कर लो तो जरा औखा छोड़ो नहीं, छोड़ दो नहीं, ये हमारी जिंदगियां दांव पे ना लग जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, लोगो शैतान तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उससे बचाओ, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जिंदगी गुजारो। ठीक है, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला नो एओ बंदे जेरा सारी उम्मत नालों ज्यादा सखी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ते सलाम दुनिया ते आए, उन्होंने दुनिया की जिंदगी के अंदर सलाम आए
और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ए जिब्राइल मेरे नबी नु आखो टाइम लेट हो रहा है नहीं जी नहीं अच्छा अजय सवा नौ सवा नौ दस पंद्रह मिनट तक वैसो माशाल्लाह माशाल्लाह हाँ जी गुजारा कर वैसा अल्लाह ओ पिछली गल याद करो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह फरमाए मेरे नबी जी ने गौर पूछो कि नहीं अल्लाह ते नाराजता नहीं अल्लाह ते कि नहीं नाराजता नहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रोमन लगे धार निकल गई अबू बकर सिद्दीक दी रोमन लगे और आखन लगे रजी तो रब्बी रजी तो रब्बी रजी तो रब्बी तीसरा सवाल करे बंदा हजरत अली दे दोस्त वाले जेन जेनो याद रखे सो सब नालों बहादुर कौन अबू बकर सब नालों ज्यादा सखी कौन अबू बकर सिद्दीक तीसरा सवाल हो करें है या हजरत दसो सारे उम्मत नालों ज्यादा आलिम कौन इलम वाला कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया ओ सवाल करने वालिया तू पूछ ले जो सारा नालों ज्यादा आलिम कौन है मैं अली तेरे पे जवाब देना सारा नालों वड्डा आलिम अबू बकर सिद्दीक है किवें मिसाल नाल समझो जरा मिसाल नाल अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुते हुए न आप नु उठाया गया और आप नु बैतुल्लाह तो लेके बैतुल मुकद्दस तक पहुंचाया गया और मेराज वाला वाकया जरा याद कर मैं बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करनी है अपनी गल ते आवना है ते थानू सुनानी है गल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अल्लाह एक और पहले गल सुन ले अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला भी बैठे हुए सहाबे किराम भी बैठे हुए अल्लाह पाक ने हजरत अल्लाह के नबी ते वही नाजिल की थी और फतह मक्का दा मौका है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने फरमाया इदा जा नसरुल्लाह वल फतह ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وحي اتري يا رسول الله मक्का फतह हो गया मक्का बोलो बोलो मक्का फतह हो गया और आई धरनासा तुसा देख रहे हो लोग फौजन दी शक्ल च गरोड़ा दी शक्ल इक दुका ना फौज दर फौज दीन इस्लाम दे अंदर दाखिल हो रहे हैं इस्लाम गालिब आ गया इस्लाम गालिब हो गया और नबी दे आमन दा मकसद भी हुई है और استغفار کرو اے استغفار مرتبہ نو بتا
मक्का फतह हो गया, उन लोग फौजदार फौज आसन इस्लाम गालिब आ गया, सारे सहाबा खुश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रोंदा बैठे। तवज्जो तवज्जो, अबू बकर सिद्दीक रोंदा बैठे, अबू बकर सिद्दीक रोंदा बैठे। सवाल जेन छे हजरत अली ते सवाल करदे है, इस उम्मत विचों सारे अनोलो वड्डा आलिम कौन है? अल्लाह अल्लाह दे नबी ते सच्चे यार अली ने फरमाया, इस उम्मत विचों सब नालो वड्डा आलिम अबू बकर सिद्दीक है। और इस मौके ते सारे सहाबा खुश बैठे, अबू बकर सिद्दीक रोई जा रहे है। सहाबे करामा दे और तो खुशी का पैगाम आया अल्लाह की तरफों, खुशी थी वही आई अल्लाह की तरफों, तू सब क्यों पैरों दे ए तो खुशी का मकाम है। अबू बकर सिद्दीक दे खुशी का मकाम नहीं, जो सारे साहबात खुशी का मकाम है, अबू बकर सिद्दीक दे खुशी का मकाम नहीं, क्यों? इस सूरत के अंदर और इस वही के अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर दी वफात दा पैगाम है। क्यों आखिर जी इस वक्त नबी दा काम मुकम्मल हो बने, अल्लाह पाक नबी नु दुनिया तो उठा लेता है, वफात दे देंदा है, फौत कर देंदा है। नबी अलैहिस्सलाम अपना टारगेट मुकम्मल कर लिया, हुण तक नबी दी जुदाई दा वक्त है, खुशी दा नहीं रोण दा मकाम है। ए है सब तो वड्डा आलिम, सारे सहाबा दी समझ अपनी जगह ते, पर अबू बकर दा इल्म अपनी जगह ते। ठीक है, थोड़े जो होश हो, सब कुछ अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन ते अबू बकर सिद्दीक ने लगा दिया सब कुछ। और फरमाया अल्लाह दे नबी ने, और लोगों सारे लोगों ने मेनू फायदा दिता है, ताउन कीता है मेरे नाल, पर जेड़ा अबू बकर मेरे नाल ताउन कीता है इहो जिहा ताउन कह नहीं कीता। मफूम है हदीस है, अबू बकर ने माल दे जरिए भी ताउन कीता, औलाद दे जरिए भी ताउन कीता, और अपना सब कुछ नबी दे दीन वास्ते कुर्बान कर दिया। बहुत बड़े कारोबारी हैं, और किवें कीता? अल्लाह अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दे वक्त अबू बकर दे दरवाजे ते आए, तवज्जो, रात दे वक्त अबू बकर दे दरवाजे ते आए, अबू बकर सिद्दीक दा दरवाजा खटकाया, अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर चल अल्लाह दी तरफ हुक्म आ गई कि अस हिजरत कर जुलिए। अजीब किस्मत है, या रसूल अल्लाह मैं भी तोड़े नाल, फरमाया क्यों नहीं तू भी मेरे नाल, असा कठी हिजरत करनी। तवज्जो ना, इस वक्त अल्लाह के नबी घरों चलन लगे ना रात के वक्त, अली ने फरमाया अली मेरे बिस्तर ते लेट जा, सुनी नहीं गल, गल सुनी ने पहले, अली मेरे बिस्तर ते लेट जा, क्यों? इस वास्ते के मक्के वाले मुशरिकां दियां अमानतां पईयां ते तू मैं इस वक्त चला जावां, सुबह होवे ते इन्हां दियां अमानतां इन्हां दे हवाले करके पिछों आ जा। अल्लाह तवज्जो नाल गल सुन, एक जुमला तेनू सुनावां, अबू बकर अल्लाह अल्लाह दे नबी ने फरमाया अली लोगां दियां अमानतां पईयां मैं तेरे हवाले पिया करदा, अल्लाह फरमाया मोहम्मद मेरी अमानत है मैं अबू बकर दे हवाले पिया करदा। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, लोगां दियां अमानतां अली दे हवाले कीतियां अल्लाह दे नबी ने, और अल्लाह ने अपनी अमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह नू हवाले कीता अबू बकर दे, फरमाया सोना अबू बकर दे घर चले जाओ, उत्थे जाके इकट्ठा सफर करना। चल पै चलदे आ
ابو بکر غار ثور تے کس وقت پہنچن لگے 5600 فٹ دی بلندی ہے کتنی 5600 فٹ ٹھیک ہے اج دا جوان بندہ بھی چنگا اوکھا دی کے چڑھدا ہے میں چار جگہ تے سائیاں کڈ کڈ کے زم دی بوتلاں کول چار جگہ تے حضرت سائیاں کڈ کڈ کے آگے سو چڑھیا ہوتے جس وقت 5600 فٹ تے ہن تے سیڑھیاں تے کوئی نہ راستہ ہی بنا ہوا ہے آج تو 1400 سال پہلے کش ہی آئی کچھ بھی کون نہیں صدیاں بیت گئی کوئی اتھے گیا بھی کون نہیں اور سن ذرا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو بکر صدیق دونوں جا رہے ہیں جس وقت ڈٹھے ابو بکر نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو تکلیف ہو رہی ہے آکھا لگے یا رسول اللہ میرے کنے تے سوار ہو جاؤ کیا قسمت ہے کیا قسمت ہے کنے تے سوار ہو جاؤ اللہ دے پاک پیغمبر نو کنے تے سوار کیتا اور انج لگدے جویں ابو بکر وچ کرنٹ آ گیا موت بارے نبوت دا وزن تے بوجھ اٹھا کے 5600 فٹ دی بلندی تے گھوڑے طرح دوڑدا جا رہا ہے چلدا جا رہا ہے تے چلدا جا رہا ہے اس غار دے دروازے تے منہ دے دہانے دے نال جا کے کھڑا ہو کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آد ہے یا رسول اللہ تو میرے جسا ٹھہرو میں اندر جاواں غار دے اندر ذرا صفائیاں کرا تاکہ کوئی بندہ جو ایتھے آیا گرے ہی نہیں کوئی زہریلی چیز نہ ہوئے ابو بکر صدیق ہے غار دی صفائی کیتی پر تو یہ چادر تے اوڑن والی آئی اس نو پھاڑ پھاڑ کے غار دے اندر جڑے سوراخ انہاں سوراخاں نو بند کیتا ہے کہ ای سوراخ وچوں زہریلی چیز نہ ونجے ابو بکر صدیق دی چادر پھاڑ پھاڑ کے جس وقت دے رہے چادر ختم ہو گئی تے ایک سوراخ بچ گیا ابو بکر صدیق نے کی کیتا ہے اپنی کھری تیری اس سوراخ دے اندر دے لئیے اور اپنی جھولی بنا کے گوشت بنا کے اللہ دے پاک پیغمبر نو آواز دینے یا رسول اللہ اندر تشریف لے آؤ ہن جگہ تیار ہے اللہ دے پاک پیغمبر اندر تشریف لے آئے ابو بکر صدیق دی گودے ابو بکر صدیق دی گودے امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی فرما دے کان القرآن یفتح فی الحل او لوگو ابو بکر صدیق دی گود دے اندر اللہ دے نبی دا چہرہ مبارک ایویں پیا لگدا اے جویں رحل دے اندر قرآن کھلا ہوندا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے لکھو حدیث ایک دن ادھی رات دا وقت اللہ دے پاک پیغمبر گھر بیٹھے ہوئے مسلے دے اما عائشہ صدیقہ آ گئیاں آکھن لگی یا رسول اللہ اکو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اے جیرے آسمانہ تے ستارے پہ چمک دین کوئی بڑا دے کوئی چھوٹا بڑی تعداد دے کتنی تعداد دے لاکھوں تنا ہی تعداد کوئی گن نہیں سکدا اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تے دسو انہاں ستاراں دے برابر حدیث شریف بیان کر رہا ہوں توجہ سے انہاں ستاراں دے برابر کہندیاں نیکیاں ہو سکدیاں یا نہیں سوال سمجھ آیا انہاں ستاریاں دے برابر کہندیاں نیکیاں ہو سکدیاں یا نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں عائشہ صدیقہ ستاریاں دے برابر خطاب دے بیٹے عمر دیاں نیکیاں حضرت عائشہ صدیقہ نا فرمائیں میں سمجھا میرے ابے جی دا نام لے سا حضرت ابو بکر دا تے اللہ دے نبی نے کہہ دا نام لیا حضرت عمر دا حضرت عائشہ فرمائیں میں حیران ہو گئی کہ میں تے سوال کیتا دوسرا این اصل ابا بکر
या रसूल अल्लाह अगर उमर दिया इतनिया ने किया वत मेरे अब्बे जी दी ने किया कितनिया है ना। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया आयशा सिद्दीका अबू बकर सिद्दीक ने ओ जेरी गारे सौ दे अंदर त्रै रातां मैं मुहम्मद दे नाल गुजारियां हिजरत दे मौके ते उमर दियां सारी जिंदगी दियां नेकियां जमा कर लो। अबू बकर दी उन्हां त्रै रातां दा मुकाबला नहीं कर सकदी। इतना बड़ा है अबू बकर यार है। अल्लाह सुला दिता अल्लाह दे पाक पैगंबर नु सुलाउन तो बाद उस मूजी सप ने अल्लाह दे नेक बंदे अबू बकर सिद्दीक दी एड़ी ते डंग मारे और डंग मारे ते अबू बकर सिद्दीक बर्दाश्त कीता वो जहर बढ़ता गया फैलता गया ये सलगम वो जहर इतना फैल गया कि अबू बकर बेकरार हो गए तो अखियां में जो आंसू जारी होए। अबू बकर की कुर्बानी देखो हल्दा नहीं सब लड़े हैं ते हल्दा नहीं कि नहीं मेरे नबी दे आराम में खलल ना आ जाए इतना लिहाज की थी बैठा है। अल्लाह फरमाया सोना अबू बकर तू जो मेरे मोहम्मद नाल इतना प्यार कर दे असम ही वाल तेरी इन्हे कीमत लसा जो दुनिया वेखती रह अबू बकर देसी जिस्म दे अंदर जहर बढ़ता गया तकलीफ बढ़ती गई इस वक्त आंसू निकलन लगे। अल्लाह ने क्या कीता ओ आंसू अबू बकर दी अखियां जो जेरे गिरे अल्लाह तल्ले नहीं डामन देते मोहम्मद दे चेहरे ते गिरा देते गिरा उच्चा चेहरा रसूल अल्लाह का यानी कसम अल्लाह अर्श तो बैठ के चाह के आके वज़ुहा मेरा मोहम्मद तेरे चेहरे की कसम उत्थे हुण आ रहे अबू बकर दा आंसू क्यों अबू बकर ने रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत की थी है रसूलुल्लाह नाल वफा की थी है अल्लाह ने भी उन्हां दी लज रखी है। अल्लाह आखिरी गल सुन बात कर मुकाई है हजरत साहब टाइम देखण लगे नहीं नहीं ये दूध पानी करना दूध च पानी करना है ये के रोल है ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਰੋਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਦ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ईमानदारी दी मैं हूं दुआ मंगी है शत बार और इंशाल्लाह उये गल्ला सारी जरूरत दी ए होंदा ही हक खावना उस बंदे दा जेड़ा बंदा तेरे को दूध ले रहे है ए उस दा हक है कि उस नु तू खालिस दूध दे पैसे ले के ते जिस वक्त पैसे ले के खालिस दूध नहीं दे रहा उस दी अमानत खयानत कर रहे है उस दा हक खा रहे है। हुण तवज्जो नाल सुन हदीस अल्लाह दे नबी आपो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा दिन कयामत दे आवेगा दूसरे बंदे ने पकड़ा होया उसी या अल्लाह ये मेरा हक खा गया है ये मेरी अमानत खयानत कर गया है चाहे मर्द है या चाहे औरत है तवज्जो से चाहे मर्द है या चाहे औरत है तवज्जो से सुने अल्लाह ये बंदा है ये औरत है इसने मेरा हक खाया है ये मेरा हक था खालिस दूध इसमें पानी मिलाया है या फला हक खाया है अल्लाह अल्लाह इसे कहे मेरा हक वापस करे दिन कयामत के केस होगा जितने ज्यादा लोगों में ना धोखा हो सी उतने ज्यादा बंदे केस कर सन और फरमाया तवज्जो से सुनो फरमाया कि वो कहेगा या अल्लाह इसे कहे मुझे हक दे अपना वापस करे तो आगे से वो हक देने वाला कहेगा या अल्लाह मेरे को है ही कोई नहीं मैं कितों लावा कितों ये सुन दिया अल्लाह फरमाएगा क्यों नहीं है या अल्लाह वो तो दुनिया पे था वो तो तौहीदाबाद गंदे वाले इलाके में था इधर तो मेरे पास नहीं है अल्लाह फरमाएगा तैं खादा आई ना असा उसनु संभाल के रखा हुआ है ओ पिए या अल्लाह कहां पड़ा है अल्लाह फरमाएंगे जा जहन्नम के निचले हिस्से में पड़ा है वो कहेगा या अल्लाह जहन्नम से अल्लाह फरमाएगा दफा हो जा
फरिश्ते मार मार के उसे भगाएंगे। वो जहन्नम में जाएगा, गोता लगाएगा और फरमाया वो अमानत देखेगा तो बड़ी होगी, या लहक खादाई और प्या उसी उसने चैसी मोंडे दे रख सी, मोंडे दे रख के चढ़ना शुरू कर दे सी, चढ़ दिया जल किनारे ते आसी अल्लाह का हुक्म हो सी वो अमानत बद खा उसी तले अल्लाह किसी दफा हो जा। फिर फरिश्ते मार के भगाएंगे, वो दोबारा जाएगा, दोबारा उठाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर अल्लाह धक्का देगा, वो अमानत नीचे गिर जाएगी। फिर ए इन्यार जहन्नम में जो होते खांदा रासी, जहन्नम में जो होते खांदा रासी जब तक उसका हक अदा न करेगी, जब उसका हक का बदला जब तक पूरा ना हो सी। दुनिया के कहना हक खाना बड़ा सौखा लगता है, अल्लाह की कसम है हर लोगों का हक खा के कोई बंदा आज तक सुकून नहीं पा सका। मैं गारंटी देता हूं लोगों का हक खा के कोई बंदा अमीर ना हो सका, कोई बंदा सुख ना पा सका। और याद रख, येरी औलाद नू हराम दे पैसा नाल परेसो, येरी औलाद नू हराम दे पैसा नाल परेसो। मैं कसम जा के आप सकदा, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरा मुशाहदा है कि वही औलाद तुम्हें पिछली उम्रों में, पिछली उम्र में तुम्हें जलील करके खून के आंसू रवाएगी। जिंदगी का सुख मंगना ही तो लोगों के हक खामे छोड़ते हैं। इस वास्ते हक के बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे नबी ने फरमाया लैसा मिन्ना मन गश्फ लैसा मिन्ना, जो मिलावट करे वो मेरी उम्मत में से। असा नाज पे कर दिया से शुरू चो, तो पहले दसेंदे तो मैं नाज ही ना किया होया। हकीकत है असा नाज पे कर दिया से जो असा आमना दिलाल दी उम्मत ही हां। फरमाया मन गश्फ ये रबी धोखा करे, मिक्सिंग करे, फ्रॉड करे, फलेसा मिन्ना ओ मेरी उम्मत चो नहीं। हुण दसो वे पिछली उम्मत नाल दस मिल नहीं सकदे, ओ तो पिछले गुजर गईया। इस उम्मत च सारा शुमार होणा है, सारी अमलां ते बदअमलियां दी वजह तो अस उम्मत च सारा शुमार ना होवे, नतीजा के निकलना है जहन्नम, जहन्नम होणी है ना। मैंने तुम्हें आपको पहले बताया इस उम्मत की एवरेज उम्र है 60 से 70 साल। इन जरा थोड़ा सा कैलकुलेट करो, गिनो जरा, तवज्जो करो जरा, 60 तो 70 साल एवरेज उम्र है। 60 तो 70 साल में पहले 20 साल का बंदा बाल होता है, ना समझ होता है, बच्चा होता है, ठीक है, हम तो छोर जी बाल है जी कहते हैं ना, वो तो हो गए ना समझी की होगा। 20 साल के बाद बाकी कितने बच गए? 40-60 साल उम्र हो, 40 बच गए। उन 40 में से ये तकरीबन जो है तीसरा हिस्सा, यानी अगर 24 घंटे का दिन होता है ना तो 8 घंटे बंदा सोता है, ठीक है। इन 60 साल में तीजा हिस्सा बंदा समझा है वो है 20 साल। 20 साल बंदा समे और 20 साल बंदा बचपन दे गुजार दे, बाकी कितने बच गए? 20 साल चंगा बनावन वास्ते आखिरत हमेशी की जिंदगी बर्बाद कर करता है, इस तो बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। इन 20 साल बनावन वास्ते यार 20 तो पहले बचपन गुजर गए, 20 तो सम के गुजार ले, बाकी 20 इन तेरे को। इन 20 अल्लाह के नाम से कुर्बान चका, भाई यार मैं ना फरमाने न कर सा, कहना हक न खा सा, शराब न पी सा, चरस न पी सा, हफीम न खा सा, फलाना जुर्म न करे सा, दूध मिलावट न करे सा, फला ज्यादती नहीं करूंगा, बहनों का विरासत वाला हक नहीं खाऊंगा, ये सारे इन 20 साल की कुर्बानी तू चाकर अल्लाह की कसम है अगली हमेशा की जिंदगी अल्लाह तेन सुख दे, ठीक है। अबू बकर सिद्दीक के बारे में आप सुन रहे थे बातें, और बहुत सारी एडिशन था इसके अंदर, इजाफी थी बातें, वो बातें भी बड़ी जरूरी है। याद रखिएगा किसी की दिल आजारी मकसूद नहीं है, कहनू दुखावना ते परेशान करना मकसूद नहीं, अल्लाह की कसम है सिर्फ ए मकसद है यार तुसा सारे सीधे रास्ते ते आ जाओ, बस इयो ही मकसद है। इस वास्ते अल्लाह को खत्म उस पर दुआ है, ये होते हैं इस सारे मिलके दुआ कर लेते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह फरमा दे, हमारे मर्दों की, हमारे औरतों की, हमारे बच्चों की, हमारी क्यामत तक आने वाली नस्लों की अल्लाह ताला इस्लाह फरमा दे, हर किस्म के फितने, गुमराही, गुनाह, हर किस्म के गलत काम से हम सब की हिफाजत फरमाए।
करिए दुआ है जी, दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन वअला आलिही वअसहाबिही अजमईन। اللهم لك الحمد كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك، اللهم انا نسألك ايمانا كاملا وعملا متقبلا ورزقا واسعا طيبا وشفاء من كل داء। يا الله हम जितने बैठे हैं सारे गुनाहगार हैं, सब ने किसी न किसी मौके पर तेरी नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह आज तेरा कुरान, तेरे नबी का फरमान, दीन के मुतल्लिक बातें तेरे घर में बैठ के हमने सुनी हैं। या अल्लाह हम दरख्वास्त करते हैं हमारे इस बैठने की बरकत से या अल्लाह हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में हमारे ख्वातीन के भी गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी औलादों के गुनाहों को माफ़ फरमा। और या अल्लाह हम सब का दीन पर चलना आसान फरमा। या अल्लाह हमें दुनिया में भी आसानियाँ और राहतें नसीब फरमा, मौत के वक़्त भी राहत नसीब फरमा। और या अल्लाह मरने के बाद कब्र, बरज़ख की ज़िंदगी और मैदान माशर में या अल्लाह आसानियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह जिन जिन फितनों में, जिन जिन परेशानियों में या जिन जिन गलत कामों में हम फंसे हुए हैं, ऐ अल्लाह तो इसे सवाल करते हैं, हम सबको इन गलत कामों से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सबको इन गुनाहों वाले कामों से, मासीयत के कामों से महफूज फरमा। जो किए उन पर माफ़ी मांगते हैं, आइंदा के लिए दुआ करते हैं, हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मरीजों को शिफाए कामिला आजला नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बीमारों को, परेशान हालों की परेशानियां ख़त्म फरमा, बीमारों को सेहत व आफियत नसीब फरमा। या अल्लाह जितने साथी बैठे हैं इनके दिलों में जो भी जायज़ ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह वो जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा। या अल्लाह तो रहीम और करीम है, हम सब की दुनिया आखरत के, दुनिया आखरत में हमें बरकतें और रहमतें नसीब फरमा। या अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा। या अल्लाह रहमत की बारिश अता फरमा। ऐ अल्लाह अपने करम और रहमत और फजल की बारिश नसीब फरमा। या अल्लाह जो औलाद वाले हैं उनकी औलादों को नेक साले और मुत्तकी बना, और जो बे औलाद हैं या अल्लाह उनको नेक साले बेऐब नरीना खूबसूरत औलाद अता फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन का दाई और मुबल्लिग बना। या अल्लाह जो इस महफिल में कमी कोताहियाँ हो गई, गलतियाँ हो गई, ऐ अल्लाह हम माफ़ी सच्चे दिल से मांगते हैं, हमारी ये गलतियाँ भी माफ़ फरमा। और जो पढ़ा सुना सुनाया या अल्लाह वो हमारा कबूल फरमा के हमारी नजात का ज़रिया बना। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।